नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपा चक्रवर्ती मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके पास से आया है। भाई साहब का नाम आप पढ़ लीजिएगा, मुझे अभी याद नहीं है। उनका क्वेश्चन है कि हमें कराओके सिंगिंग में या ट्रैक सिंगिंग में गाना चाहिए या ऑर्केस्ट्रा में गाना चाहिए। मुझे पता है कि उन्होंने ये क्वेश्चन इसलिए किया है, उनको दोनों में गाने के लिए मौका आया है और वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस में मुझे गाना चाहिए। इसके लिए अगर सचमुच मैं बात करने जाऊँ तो बहुत लंबा चौड़ा बात हो जाएगा। मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताना चाहती हूँ कि दोनों का अलग अलग महत्व है। पहले ज़माने में तो ये ट्रैक सिंगिंग नहीं था, मतलब ट्रैक सिंगिंग का जो ज़्यादा बोलबाला है वो आप कह सकते हैं कि ये 10-15 साल का ही मामला है। क्योंकि पहले जो हम लोग जो भी गाना रिकॉर्ड करते थे उसमें भी लाइव इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करता था, मतलब सब लोग साथ में बजा रहे हैं और हम गा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, स्टूडियोज़ वगैरह में भी सब अपना अपना म्यूज़िक को क्रिएट करते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर उसका अलग अलग रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर लास्ट में आके जो भी आर्टिस्ट है वो गा के चले जाते हैं। तो पहले क्या बनता है, वो ट्रैक बन जाता है, मतलब जिसको हम लोग मतलब ट्रैक सिंगिंग बोलते हैं, ट्रैक बन जाता है और उसके बाद वो सिंगर गाते हैं। वही चीज़ हमारे पास भी आता है, चाहे वो यूट्यूब के ज़रिए हो, चाहे वो कोई बना के आपको बेचता हो, या स्टार मेकर फलाना फलाना में आपको मिल जाता हो। तो आपके पास क्या आता है, वो ट्रैक आ जाता है जिसमें मतलब पूरा क्लू रहता है और आप उसको मतलब शब्द आपको मिल जाता है। अभी तो कराओके का जो भी लिरिक्स है वो आ जाता है या स्टार मेकर में भी आ जाता है और उसको आप देख देख के या बिना देख के आप उसको गा जाते हैं। तो वो हो गया ट्रैक सिंगिंग। आप अगर ऑर्केस्ट्रा में भी गाएंगे, हाँ देखिए ऑर्केस्ट्रा में गाना मतलब क्या है कि आप ज़्यादातर फिल्मी गाने ही गाएंगे। ऑर्केस्ट्रा कई तरह के होते हैं, जो ओरिजिनल ऑर्केस्ट्रा है, मानो कि आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स हैं और आप लोग खुद म्यूज़िक क्रिएट कर रहे हैं और आप खुद आप लोग गा रहे हैं या बजा रहे हैं, तो वो तो भाई यूनिक आपका टीम है, मतलब आपकी क्रिएटिव टीम है। उन लोग मतलब खुद अपना म्यूज़िक बनाते हैं तो वो अलग बात होती है। लेकिन आप जिस ऑर्केस्ट्रा की बात कर रहे हैं कि लाइव बजा रहे हैं, मतलब वही म्यूज़िक जो म्यूज़िक ट्रैक में है, मतलब ट्रैक में भी वही म्यूज़िक बजेगा और वही म्यूज़िक कोई ऑर्केस्ट्रा जो टीम है वो बजा रहे हैं, प्लेयर्स हैं वो बजा रहे हैं। आपको अगर प्रैक्टिस की मैं बात करूं कि भाई आप प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप हमेशा एक टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसको जैमिंग भी बोलते हैं? हमेशा तो नहीं हो सकता ना, हर दिन आपको कौन रियाज करने के लिए आएगा? और महीना में एक बार या दो महीने में एक बार आपका जैमिंग सेशन चल रहा है, उसमें आपने एक बार या दो बार प्रैक्टिस करे तो हो जाएगा आपका मतलब तैयारी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है। जो मैं रियाज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ, मानो आपको कहीं पर गाना है तो आपको दो दिन प्रैक्टिस कराएंगे उसमें तो नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको खुद प्रैक्टिस करना है। जो भी गाना है उसको आपको खुद उठाना है, उसका ताल वगैरह सुर वगैरह सब करेंगे। तो सिर्फ गाना जब आप करने जाएंगे ना, तो वो म्यूज़िक में आ रहा है या नहीं आ रहा है उसके लिए आप ट्रैक में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको मानो वही गाना आपको कहीं स्टेज पे गाना है, तो सबको ये पता है या आपको भी मालूम होना चाहिए, ऑर्केस्ट्रा इज़ द बेस्ट थिंग। ऑर्केस्ट्रा मतलब क्या है, लाइव। हमेशा ऑर्केस्ट्रा सिंगिंग ट्रैक सिंगिंग के ऊपर आता है। ट्रैक सिंगिंग में क्या होता है कि ट्रैक बजेगा, आप गा रहे हैं, आपको वो आदत पड़ जाती है। जैसे कोई नहीं है, आप है और आपका म्यूज़िक है, लेकिन म्यूज़िक के साथ साथ जो म्यूज़िक प्लेयर्स आ जाते हैं ना, जो खुद क्रिएट करते हैं, उसका बात ही कुछ अलग आता है।
आप देखिएगा कि अगर आपको बहुत आदत पड़ गया है कि सिर्फ म्यूज़िक के साथ गाने की, जैसा ही आप पांच लोग आपके सामने बैठेंगे या ऑर्केस्ट्रा आपके सामने बैठेंगे, जो प्लेयर्स आपके सामने बैठेंगे, आपका हाथ ऐसे कांपने लगता है, क्योंकि आपको पता है आपके एक गलती से पूरा गाना एकदम बेकार हो सकता है। क्योंकि उन लोग, मानो पांच लोग बैठे हुए हैं, पांच लोगों का टीम है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, एक अगर गलती करे तो पूरा गाना खराब हो जाएगा। लेकिन सब लोग मिलके अगर एक प्रोडक्शन करे तो उसका मजा और है। आप देखिए ना, सीधी सी बात है, आप कोई एक अच्छे लेवल की प्रोग्राम में गए हैं सुनने के लिए, किसी के भी प्रोग्राम, मानो आप सोनू निगम जी के प्रोग्राम, अरिजीत सिंह के प्रोग्राम, श्रेया घोषाल जी के प्रोग्राम, या किसी भी लाइव प्रोग्राम, तो उसमें आपको कराओके सिंगिंग होता है क्या, या ट्रैक सिंगिंग होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। उनको तो ऑर्केस्ट्रा के साथ ही गाना पड़ता है, तभी वो लोग एंजॉय करते हैं, बहुत पैसे दे के वो टिकट खरीद के लोग जाते हैं, नहीं तो घर पे बैठ के वो उनका गाना सुन लेंगे। अभी तो सभी गाने उनके आपको मिल जाता है कोई भी साइट में या किसी में भी प्लेटफॉर्म में मिल जाता है, तो वो मज़ा नहीं है। जब तक आप खुद जाके वहाँ पर सभी ऑर्केस्ट्रा के साथ जब गाते हैं तो उनको वो जो मज़ा आता है, क्योंकि उन सबको पता है कि इतने लोग बैठे हुए हैं, इतने लोग बजा रहे हैं, तो पूरा सिंक जब तक नहीं होगा तब तक वो गाने में मज़ा नहीं आएगा। तो वो सिंक करने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो वो जो मेहनत है ना, वो दिखता है आपको कि इतने मेहनत के बाद वो यहाँ पर चढ़े हैं और ये गाना गा रहे हैं। तो कराओके के, तो कराओके सिंगिंग या ट्रैक सिंगिंग से कई गुना ज़्यादा अच्छा है ऑर्केस्ट्रा में गाना। लेकिन ऑर्केस्ट्रा में गाने के लिए काफ़ी कुछ मेहनत करना पड़ता है। पहली बात तो यह है कि आप में इतना परफेक्शन होना चाहिए। देखिए, ऑर्केस्ट्रा जो लोग बनाते हैं या ऑर्केस्ट्रा जो लोग बजाते हैं, दे आर वेरी प्रोफेशनल, तभी वो ऑर्केस्ट्रा में बजाते हैं, नहीं तो वो घर में टैं टू करते रहते हैं, या तो ढोलक बजाएंगे, नहीं तो कुछ भी कीबोर्ड बजाएंगे। लेकिन जब तक उनमें वो परफेक्शन नहीं आएगा तब तक वो स्टेज पे नहीं चढ़ते हैं। तो दैट मीन्स क्या है कि जो लोग बजा रहे हैं, चाहे वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हों, तो उनमें इतना कैपेसिटी होता है, उनमें इतना काबिलियत होता है कि सभी आर्टिस्ट के साथ बजाने के वो काबिल होते हैं, तो वो स्टेज पे चढ़ के वो बजाते हैं या प्रैक्टिस करते हैं। तो आप सोचो कि आपको कितना प्रैक्टिस करके उनके पास जाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो तो बहुत अच्छा बजा रहे हैं, ना तो आपको सुर का ठिकाना, ना तो आपका ताल का ठिकाना, ना तो आप एकदम बुद्धू जैसे आके हाँ इसमें क्या होगा, इसमें कहाँ मैं छोड़ूँ। हालांकि ऐसे शुरू में ऐसा होता है कि मैं कहाँ छोड़ूँ, कहाँ पकड़ूँ। ये जो होमवर्क है, अगर आप कराओके सिंगिंग का हाथ पकड़ के घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करके तब अगर जाएंगे ना, तो वो भी समझ जाएंगे कि नहीं, ये तो बंदा प्रैक्टिस करके आया है। क्योंकि देखिए, जो भी फिल्मी सॉन्ग्स होता है ज़्यादातर ऑर्केस्ट्रा, आप जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप फिल्मी सॉन्ग गाते होंगे तभी ये क्वेश्चन किया है। तो फिल्मी सॉन्ग्स में जो ऑर्केस्ट्रा में बजाते हैं ना, दे आर वेरी प्रोफेशनल, एकदम कट टू कट म्यूज़िक बोलते हैं उसको, जो ओरिजिनल म्यूज़िक में बजाया है वही चीज़ वो बजाते हैं, कट टू कट म्यूज़िक। तो उसमें ना आपको कोई ऐसा चांस नहीं मिलता है कि भाई अब अपना कुछ चलाएंगे, एक आवर्तन छोड़ दिया। अगर छोड़ भी दिया तो पब्लिक को तो समझ में आएगा ही आएगा, और आप खुद ही इतना एम्बेरेस हो जाते हैं कि भाई जो इंस्ट्रूमेंट्स प्लेयर्स हैं वो तो बहुत अच्छा बजा रहे हैं और मैं नहीं गा पा रहा हूँ या गा पा रही हूँ। इसके लिए आप कराओके सिंगिंग में या ट्रैक सिंगिंग में प्रैक्टिस करिए। लेकिन अगर आपको चांस मिल रहा है, अगर आपको ऐसा मौका है कि भाई मेरे को किसने बुलाया है और मैं ऑर्केस्ट्रा में गाऊंगा या गाऊंगी, तो बेशक वो बहुत ही एक अच्छा माना जाता है, और गाना भी चाहिए, तभी आपको वो एक्सपीरियंस होता है कि भाई सभी इंस्ट्रूमेंट्स प्लेयर्स के साथ हम कैसे गाएं। अगर आप फिल्मी गाना गाते हैं तो, अगर क्लासिकल वगैरह गाते हैं या भजन गज़ल वगैरह गाते हैं, तो उसका तो सेटअप कुछ अलग ही होता है, उसके बारे में मैं ऑलरेडी बात करती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है, और अगर आप लोगों को भी इस तरीके का मौका आता है तो मौका नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे एक गाना हो, चाहे छोटा मोटा कुछ भी गाना हो, तो आपको उसमें कूद पड़ना चाहिए, और आप अपने आप को आजमाने के लिए आपको ट्राई तो बिल्कुल करना चाहिए। मुझे लगता है कि जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है उसके साथ साथ
बहुत लोगों को ये मन में होता तो है लेकिन शायद वो पूछ नहीं सकते, तो आज बात हमने इस बारे में किया है। और ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपके मन में भी है तो आप बेझिझक लिखिए मुझे, तो कुछ ना कुछ जवाब अगर मेरे को पता है, मुझे समझ में आता है, तो मैं ज़रूर उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी। और आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आता है, लिखते रहिए, कमेंट्स अच्छा लगता है मुझे पढ़ना, और कमेंट्स के माध्यम से तो मैं आपसे जुड़ती रहती हूँ। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसके पहले लाइक कर दीजिए, और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो लोग बहुत अच्छा गाते हैं, कराओके में गाते हैं, ट्रैक सिंगिंग करते हैं और ऑर्केस्ट्रा में भी गाते हैं, उनके साथ भी शेयर कर दीजिए, हो सकता है कि एक आध पॉइंट उनको भी काम में आ जाए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ लाती हूँ। नमस्कार।